सारंगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 42 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक उत्तरी जांगड़े, जिला कांग्रेस ग्रामीण अरुण मालाकार, अनुविभागीय अधिकारी नंदे समेत जिला पंचायत सदस्य तुलसी बसंत मौजूद रही। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमारे मुख्य मार्गदर्शन में ये विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें बहुत खुशी की बात यह है कि मुझे विवाह में कन्यादान करने का सौभाग्य मिला है। वहीं उन्होंने नवविवाहितों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई है। कन्या विवाह है, सारंगढ़ नहीं पूरा प्रदेश में आज कन्या विवाह चल रही है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी के। आज यहाँ सारंगढ़ में 42 जोड़े का आज शादी हो रही है और परंपरा में भी 42 जन के शादी हुई है। आज इस जितने 42 लोगों कन्या हैं, इनको सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। इस साथ ही साथ हमारे सभी अधिकारी लोग हैं और हमारे SDM सर भी हैं, साथ में मालाकार भैया भी हैं, जनपद के सभी सदस्य अध्यक्ष गण भी है। सारंगढ़ ब्लॉक में धन कन्या विवाह योजना के तहत 42 जोड़ों का शादी हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़े जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ में कांग्रेस शासन की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें गरीब जोड़ों को बहुत ही आर्थिक लाभ हो रहा है। शासन के द्वारा इनको 25,000 की राशि से सामग्री हुआ उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है। और मैं किस तरीके से रीति रिवाज निभाई जा रही है, शासन के प्रावधानों के अनुसार पर एक जोड़ी के पीछे 25,000 रुपये का निर्धारित किया गया है। उसमें 14,000 रुपये का उपहार सामग्री है, 5,000 रुपया उनके श्रृंगार सामग्री है, जिसमें उनके चांदी के जवाहरात व उनके वर वधु के वस्त्र निर्धारित किए गए हैं, और 5,000 रुपये आयोजन व्यय पर खर्च होता है और 1,000 रुपया उनको नगद प्रदान किया। सर महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है राज्य सरकार का, इसे तो कब से तैयारी चल रही थी सर आपको ये विवाह की? ये इसके तैयारी के लिए हम लगभग 1 सप्ताह से लगे हुए थे। आज बहुत लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आपके सहयोग से कार्यक्रम सफल क्रियान्वित हुआ।